तोरा बिना दुनिया डीजे वीरान लागे गोरी रे डीजे पूजा। अरे पूजा ने बोलना है वहा छोड़ी ने तोरा धोखा दल का खेत में शूटिंग करने के लिए जा रहे थे। अच्छा खेत उत में जाते थे। अच्छा एक बात बताइए ब्लैक जी, ब्लैक कोबरा जी, आपका नाम ब्लैक कोबरा कैसे पड़ गया? है ही रखा है। ए छोड़ी हमरा से ब्याह कर भी ये बहुत वायरल हो गया। छोड़ी मुए इस तरह से डायलॉग बहुत वायरल। अच्छा इस तरह से आप कॉमेडी करते हैं तो गांव समाज के लोग आपको देख के हंसते होंगे ना? अपन बीबी के बहन को साली कहते हैं, जूता चुराने वाली लड़की को साली कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आधी घरवाली होती है। जब कभी भी अपने बीबी के द्वारा मिजाज को गरमाया जाता है और जो लड़की इस मिजाज को ठंडा पहुंचाने में हमर काम करती है उसे भी हम साली कहते हैं। बोला कैसे तू हमरा के भूल जाइबू, सैया के गोदी में जाके झूल जाइबू। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रियल रोशन, ब्लैक कोबरा और गौरव जी। और ये तमाम लोग जो है मैथिली में कॉमेडी बनाते हैं और इनसे हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रमुख भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और प्रमुख भारत न्यूज को देखने वाले हमारे जितने भी भाई लोग हैं सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। अच्छा आपको भी प्रणाम। देखिए शुरू में तो हम अकेले वीडियो बनाते थे, फिर मतलब जो है टिकटॉक पे जैसे हम मेरा 5-6 लाख हो गया था तब ख्याल आया था कि मतलब जो है इनके साथ कुछ बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट खोजते रहते थे मज़ेदार चीज़ें, तो हमको लगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा बैठेगा कॉम्बिनेशन, तो मतलब इनको लेके बनाने लगे। तो टिकटॉक टाइम में ही हम लोग वायरल हो गए थे, उस टाइम से ही चल रहे थे, बहुत डीजे पुष्पा ये वो चलता था उस टाइम में मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम के बाद जो यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे तो अभी चल रहा है, सब जान रहे। अच्छा चल रहा है आपका? हम लोग बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इंस्टाग्राम पे तो धमाल मचा के रखा है, पूरा धमाल मचा के रखे हूँ। हाँ इंस्टाग्राम पे धमाल मचा के, कौन कौन सा वीडियो धमाल मच रहा है डायलॉग सुनाएंगे? एक बढ़िया वीडियो वायरल हुआ है, हे छोड़ी बताते हैं, हे छोड़ी मुए इस तरह से डायलॉग बहुत वायरल। अच्छा इस तरह से आप कॉमेडी करते हैं तो गांव समाज के लोग आपको देख के हंसते होंगे ना? हम तो हंसाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो हंस रहे तो हम समझ रहे हैं कि चलो मेरा काम सफल हो रहा है। एक हंसना होता है, एक जैसे नॉर्मल अभी हंस रहे हैं, बात करके हंस रहे हैं, और किसी भी मजाक उड़ा के हंसना, ये देखिए हमको मजाक, अब देखिए अब कोई किसी का मजाक तो हमारे सामने अभी तक मेरा मजाक उड़ा नहीं है, जिस दिन उड़ेगा उस दिन हम बता देंगे, लेकिन अभी तक तो मेरे सामने नहीं हुआ, क्या पता अरोज परोज में होता होगा भाई, हम नहीं जानते। देखने के बाद उसको हंसी लगता है, हाँ बहुत मजा लेता है, मजा लेता है, हाँ बहुत मजा, धक्का धक मजा लेता है। मत पूछिए, आता है ना तो मिलने के लिए, कहता है भैया आपका वीडियो बहुत मजा आता है, हंसी लगता है हमको पूरा। गांव समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं तो माता पिता के पास जाते होंगे शिकायत करने के लिए, अभी तक शिकायत भी पहुंचा है? नहीं नहीं अभी मेरे साथ शुरू से ही ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही चल गए थे। मेरा टिकटॉक पे भी ऐसा था, एक दो तीसरा वीडियो बनाया था वायरल हो गया था, और यूट्यूब पे फर्स्ट ही वीडियो वायरल हो गया, फर्स्ट ही वीडियो वायरल हो गया। हाँ शिकायत हंसना क्या, जब गार्जियन के हाथ में पैसा जाता है तो गार्जियन खुश, बोला बोला को भी पता चलता है पैसा रहा, क्या कौन क्या बोलेगा। अच्छा सिर्फ कॉमेडी करते हैं कि गाना वाना भी गाते हैं? देखिए हम जो है सही बात बोलिए तो शुरू में हम सिंगर ही थे, शुरू में सबसे पहले राइटर थे, राइटर के साथ सिंगर हुए, सिंगर के साथ टाइम इधर उधर होते गया, क्योंकि एक गाना बनाने में पैसा लगता है और हम लोग ठहरे गरीब फैमिली से, तो गाना बनाने के लिए उतना पैसा तो शुरू में था नहीं, तो मतलब जो है ऐसे हम सोच रहे थे गाना वाना बेच के पैसा आएगा तब गाना बनाएंगे, लेकिन जैसे ही यूट्यूब का टाइम आया हमको पता चला कि YouTube पे वीडियो डाल के भी पैसा कमा सकते हैं, तो पहले सोचे कि पहले अब इधर झंडा गाड़ो है तब गानों बनाएंगे। फिर बीच में मेरा कुछ गाना भी आया है लेकिन इधर टाइम के चलते अभी गाना नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हमको लग रहा है 1-1.5 महीना में फिर से मेरा नया गाना आएगा। कौन कौन सा गाना था, जो कि कौन कैसा गाना गाते थे? देखिए एक गाना मेरा शिल्पी राज जी के साथ आया था, फर्स्ट सॉन्ग, बोला कैसे तू हमरा के भूल जाइबू, सैया के गोदी में जाके झूल जाइबू। और बोलो कैसे तू हमरा के भूल जाइबू, सैया के गोदी में जाके झूल जाइबू। अरे भूल जाइबू हमके, बोलो कैसे जियब हम। तो फिर लड़की कहती है नइखे कोनो गम, नइखे कोनो गम, मिलल बाटे यारवा सैया हैंडसम। ऐसे था एक डीजे, आप नहीं बोले?
डीजे। अच्छा वो कौन डायलॉग था जो कि हर एक बात पे डीजे डीजे बोलते थे? हम लोग बोलबम का साथ था। देखिए गाना भी था बोलबम का, उसके बाद हम लोग टिकटॉक पे बहुत सारा वीडियो बनाए थे जिसमें इनका डीजे कॉम्बिनेशन वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। कोई भी गाना गाते थे बीच में डीजे डीजे बोलता था तो वायरल हो जाता था। बोले तो एक बार वो करके दिखाइए, वो करके दिखाना पड़ेगा क्या? एक वायरल हुआ था डीजे पूजा वाला, करो ठीक है। तोरा बिना दुनिया डीजे डीजे वीरान लागे गोरे रे डीजे पूजा। अरे पूजा ने बोलना है वह छोड़ी ने तोरा धोखा दल क लोग जान जाएगा। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और मंथली इनकम भी अच्छा खासा। कितना कमा लेते हैं मंथली इनकम? हम देखिए अप डाउन होते रहता है, कभी नीचे। इतना कमा लेते हैं कि माता पिता से लेना नहीं पड़ता है। हाँ। अच्छा अभी आप जो है कॉमेडी करते हैं या पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? सब कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई कॉमेडी तुमेडी सब करते हैं। गर्लफ्रेंड और सब है कि नहीं? नहीं है। क्या है अभी यही नहीं जानेगा क्या? अच्छा, बता रखा है। अच्छा आपका टीम का जो लड़की था वो सब कहाँ गई है? मतलब सब काम कर रही है, अपना अपना काम भी करती है, जैसे हमको जरूरी पड़ता है, जैसा स्क्रिप्ट आता है उस हिसाब से हम लड़की लाते हैं, लड़की को मंगा लेते हैं। अच्छा कितना मतलब कि एक टीम में जो है कितने लोग हैं? टोटल 10 लोग हैं। 10 लोग हैं जी। अच्छा कितने लड़कियां हैं? लड़की 3-4 है। लड़की 4 को बिसर गए थे। अच्छा टीम में जैसे देखिए सही बात बोलिए तो मतलब जो टीम में एज ए टीम कोई लड़की काम नहीं कर रही है। और टीम में हमारे जितने भी लड़के को आप देखे होंगे, जो भी सूर्या भाई है, मनीष है, अरितु है, उसके बाद जो विपिन भाई है, बिट्टू है, इधर गौरव भाई है, मनीष है, सब है, ब्लैक कोबरा तो ही है, ठीक है। इतना लोग टीम में है, बाकी जो भी गर्ल आर्टिस्ट होती है जरूरत के हिसाब से सीन के हिसाब से हम लोग मंगाते हैं। अच्छा एक गाना एक लड़की जो आपका कॉमेडी था वो हम भी देखे थे, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, साली किसे कहते हैं ऐसा कुछ बोले थे ना उस वीडियो में? हाँ मतलब एक मतलब टीचर थी, टीचर स्टूडेंट वाला स्टूडेंट ऑफ द ईयर वीडियो का नाम था, टीचर स्टूडेंट वाला वीडियो था। तो मैडम हमसे सवाल करती है, अपन बीबी के बहन को साली कहते हैं, जूता चुराने वाली लड़की को साली कहते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आधी घरवाली होती है, जब कभी भी अपने बीबी के द्वारा मिजाज को गरमाया जाता है और जो लड़की इस मिजाज को ठंडा पहुंचाने में हमारे काम करती है उसे भी हम साली कहते हैं। ताली बजाओ, ताली ताली ताली। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है रोशन भाई लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं। और कोई है जो देखिए क्या बताएं, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, बहुत सारा डायलॉग है, अब उतना याद भी नहीं रहता अभी हम आपको क्या जवाब दे, कैसा क्या बोले। आप ही बताइए क्या हमको बोलना है तो हम उधर से दे देंगे, अब हमको भी सोचना पड़ेगा आपको क्या बताएं। अच्छा जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वही सुनना है? यही तो एक साली किसे कहते हैं, ये 100 मिलियन प्लस मिलियन प्लस जी जी जी। तो ये तो सुना ही दिए आप लोग को, बाकी अच्छा और सुन लीजिए कुछ। अच्छा आप दोनों जो कॉमेडी करते हैं जैसे कि टिकटॉक से आपने स्टार्ट किया और जो है इंस्टाग्राम पे भी अभी आप धमाल मचा रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पे आप धमाल मचा रहे हैं, तो टिकटॉक पे कहाँ वीडियो यहीं सब शूट करते हैं? यहीं पे सब यहीं पे शूट कर रहे थे। वो पहले वो खेत में शूटिंग करने के लिए जा रहे थे। अच्छा खेत उत में जाते थे? अच्छा कभी कुछ शूटिंग उटिंग करते थे, मान लीजिए कभी अश्लील वाला बात भी बोल देते होंगे तो गाँव घर की महिला सुनती होगी तो बोलते थे। आज तक तो हम लोग का वीडियो अश्लील वाला नहीं आया, मतलब गाली गलौज वाला नहीं आया है। हाँ थोड़ा सा रोमांटिक वीडियो रहता है तो रोमांटिक मिजाज सबका होता है, ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा फिल्म टाइप से रोमांटिक वीडियो हम लोग बनाते हैं, ये तो कहेंगे का लॉन्ग आपका अधिकतर जो है ना लॉन्ग टाइम रहता है और शॉर्ट भी रहता है लेकिन उतना अश्लील नहीं रहता है जी। बिल्कुल गाली गलौज नहीं करते हैं, बाकी रोमांटिक वीडियो बनाते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। अच्छा जैसे कि अभी अभी अच्छा अच्छा मान लीजिए ब्लैक, अच्छा एक बात बताइए ब्लैक जी, ब्लैक कोबरा जी, आपका नाम ब्लैक कोबरा कैसे पड़ गया? है ही रखा। देखिए बात बहुत पहले की है, बहुत पहले शुरू टाइम में जब अभी जो अभी तो बहुत सारा क्रिएटर हो गया टिकटॉक टाइम में, तो मतलब हमको नहीं लगता है कि उतना था उस टाइम में। और ये शॉर्ट वीडियो बनाना हम ही स्टार्ट किए थे। अच्छा। एक प्रिंस कुमार था, वो भी भिगो पे करता था, टिकटॉक पे हम स्टार्ट किए थे कि एक छोटा 15 सेकंड का कॉमेडी भी बन सकता, बाकी सब तो गाना वाना बना रहा था। लेकिन जैसे हम स्टार्ट किए थे 6-7 महीना मेरा हुआ था, बाकी और क्रिएटर भी टूट पड़ा था, तो उस टाइम से ही मतलब इनका भी अलग आईडी बना दिए थे, तो इनका आईडी का नाम रख दिए थे ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा आइडिया आया कहा था, इतना काला है इसीलिए
पता नहीं वो ऑटोमेटिक आ गया, मतलब जो है कुछ भी ज्यादा सोचे भी नहीं थे, बस इसका आईडी का नाम क्या रखना है, तो ब्लैक कोबरा ऐसे लिखा गया था। उसी दिन से ब्लैक कोबरा नाम ही पड़ गया, लीजिए ब्लैक कोबरा। ऐसे में तो ब्लैक कोबरा नाम सुनकर आपका बीबी भी छोड़ के भाग जाएगी ना, ना? बीबी का नाम देखिए, बीबी का नाम लेते ही, गर्लफ्रेंड का नाम लेते ही हंसने लग जाते हैं, चेहरा पे हंसी आ जाता ना। अच्छा कुछ रोमांटिक जो है वो सुना दीजिए, कुछ सुनाएंगे, कुछ सुना दीजिए। इंस्टाग्राम पे अभी जो भी वायरल हो रहा है, चल ये छोड़ी मोए 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 ऐसे तरह से बनाए हैं इंस्टाग्राम। अच्छा इंस्टाग्राम पे कुछ भी बोलता है भाग दो तुरा, मतलब कुछ भी इनसे बोलवा देते हैं वायरल हो जाता है। चलो कुछ बोल देते हैं, आलू तो आलू भी वायरल हो जाएगा, नहीं होता विश्वास तो आलू बोल के वीडियो डाल देंगे, देखिएगा वो मिलियन में रहेगा। अच्छा बोलिए तो कुछ ऐसा जो बोलते हैं कुछ भी। कुछ कथे बोलेंगे कुछ हो छोड़ी हमरा से ब्याह कर भी ये वाला क्या ये छोड़ी हमरा से ब्याह कर भी ये बहुत वायरल हो गया है। यही क्लिप काट के कितना लड़की वायरल हो गया है इनके वॉइस पे, अच्छा चेक करके वायरल हो गई है। बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं और बहुत ज्यादा वायरल भी है। चाहेंगे एक डायलॉग है, रोशना अल एग्जाम दे के बाबू पूछल के कि एग्जाम केना गेलो, कहे कि हाँ बाबू धक्का धक एग्जाम गेले लेकिन एगो पांच नंबरे गेले चूंकि, कहे नहीं समझ में आ तो भोजपुरिया का ना लिख देती है। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है कॉमेडी करते हैं और कॉमेडी करके सारे लोगों को मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हंसाने का प्रयास करते हैं। रोशन जी अभी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों को? देखिए यही कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज इसी तरह से करते रहिएगा, हम लोग भी वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? पेज को फॉलो कर लीजिए पेज को फॉलो कर लीजिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं रियल रोशन के बारे में और ब्लैक कोबरा के बारे में और इधर एक भाई है गौरव जी के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय भारत।